नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर आ रही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ थाना रुरावर क्षेत्र के ग्राम तालसपुर खुर्द से, जहां डेयरी की गंदगी से नर्क जैसी जिंदगी जीने को मजबूर है आम लोग। आइए डालते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर नजर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले। मैं ना उनसे कई बार क्या, मैंने यहाँ सफाई रखा है, नालों की सफाई रखा है, गंदगी नहीं कर रहे हैं, गंदगी से बीमारी फैल रही है। मगर ये साले कुछ दिवंग प्रवृत्ति के लोग हैं जो बाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। इनसे बात करो तो ये कहते हैं कि नाला हमने अपने पैसों से बनवाया है। सरकारी खजाने से देखो तो नाले का पैसा सरकारी खजाने से निकला हुआ है। कौन कौन लोग हैं, क्या नाम है इनका? सईद, मुन्ना, सपिया और कई नाम है जो मुझे मालूम नहीं है इनके। तो जिसकी गंदगी की वजह से यहाँ के लोग, आसपास के लोग रहते हैं, उनको जो है काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, दिक्कतें आती हैं उनके सामने, उनके बच्चों में दे रहा जाता है इन्फेक्शन आए दिन, तो उन्होंने शिकायत भी कही है कई बार। हाँ, उनने मेरे पास भी शिकायत लेकर आए। आज से करीब 8-9 महीना पहले इनने गड्ढा खुदवा दिया डेयरी संचालकों ने, उसमें इनने अपना गोबर का पानी चलाया, उसमें एक करीब 2.5-3 साल की, वो सॉरी 5-6 साल की बच्ची डूब कर मर गई। क्यों इनका कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती अब तक? जिला प्रशासन कोई कार्रवाई करता नहीं है क्या? खैर, अभी हमने किसी को लिखित में नहीं दिया, जिला प्रशासन को हमने भी लिखित में नहीं दिया, अब लिखित में देंगे जिला प्रशासन को। डेयरी संचालक जो कितने दिनों से अपना कार्य देते हुए? करीब इन्हें यहाँ 1.25 साल हो गई। तो आपसे जो पूर्व प्रधान थे उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई की थी या नहीं की अब तक? नहीं, उनने भी कोई कार्रवाई नहीं करी।